जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्व चिंतन केमिकल। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 50% डाउन है। मार्केट में आईपीओ आने के बाद में इसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। कहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, मेजर सपोर्ट जहाँ पर है वहाँ कहाँ पर बन सकता है, अगर 2-3 साल का नजरिया हो तो इसमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर जो पहले से इन्वेस्ट है फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए इसमें, और कितनी गिरावट आ सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किए हैं, जो इंजीनियरिंग हुड इंडस्ट्री जो प्लाई बनाती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लाई का, उसके बारे में डिस्कस किया है कि 250 तक आ सकता है वो। विप्रो शेयर के बारे में, दिवाली स्पेशल जो फार्मा का सेक्टर है उसके बारे में, हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं, एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, फिर थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल में उसका डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल इतना देखना चाहिए कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कौन सी प्रोडक्ट बना रही है जो ऐसे तो नहीं आउटडेटेड हो जाएगा, ये कि आने वाले समय में इनका प्रोडक्ट चलते रहना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीजें फंडामेंटल में देखनी चाहिए, और सेक्टर कौन सा है और इसका फ्यूचर ग्रोथ कौन सा है। देखिए टेक्निकल चार्ट में अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि देखो सबसे पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड से ही वहां से निचोड़ निकल जाता है कि अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। देखो ट्रेंड होते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, बेसिक चीजें वही काम करती है। देखो एक होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं इस तरह से जाएगा, ज्यादातर ध्यान रखना यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो ये मान के चलना कि वो ज्यादा लंबी यात्रा जाएगा। साइंस में पढ़ते हैं जो कोई वस्तु को दूर तक फेंकना होता है तो क्या करना होता है, दूर तक तभी जा पाएगी जब उसका 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे तो वो दूर तक जाएगी। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया, टॉप और बॉटम में आप इस तरह से समझ सकते हो, एक देखो ऊपर जाता है तो एक टॉप ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, नीचे वाला हायर बॉटम होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ ये जाता है। तीसरा दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड किस तरह से होता है, इस तरह से जा रहा है, एक टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया और ऊपर वाला नीचे वाला लोअर टॉप लोअर बॉटम ये होता है। इसको बार बार हम वीडियो में डिस्कस करते हैं तो ज्यादा समझने की इसको अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो इसमें डाउन नहीं ट्रेंड आ रहा, अप ट्रेंड नहीं था। तीसरा आता है साइडवेज, ये कंसोलिडेटेड पेज होता है, एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। जब इस ट्रेंगल पैटर्न को रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आता है, तब से इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड गया, एक और है जहां कभी भी मार्केट टॉप लगाता है तो डबल टॉप पैटर्न बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न बाद एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और फिर वापस नीचे की तरफ, ये ब्रेकडाउन का इसका एम पैटर्न का मतलब टारगेट पहुंचा, फिर वापस इसको पुल बैक पैटर्न बोलते हैं, पुल बैक पैटर्न के बाद में ये निकला है। तो डाउन ट्रेंड, एक टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम, कहने का मतलब अभी ये इसमें आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अप ट्रेंड का कोई भी सिग्नल नहीं आया दोस्तों, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड का कब होगा, जब इसके लोअर टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, मतलब 18,000 को ब्रेकआउट करेगा। दूसरी चीज है 18,000 के ब्रेकआउट के बाद में एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस भी है, कौन सा, यहाँ पहले एक सपोर्ट था, ये देखो सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा, मतलब 2100 तक रहेगा तब तक इसमें कोई मूवमेंट तो आ जाएगा, मूवमेंट तो यहाँ तक 18,000 का आएगा तब इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब देखो कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तब तक तो 18,000 तक आ जाएगा ना, तो ये अभी चल रहा है 1800 के लगभग, 1800 के लगभग होगा तब तक इसमें ट्रेंड चेंज होगा, अभी चल रहा है 1500 के लगभग, 1500 के लगभग तो यहाँ अभी 300 पॉइंट का इसका ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ से अपने को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरह से नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, दो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कोई भी यहाँ से कोई मार्केट रिवर्स करता है तो यहाँ पर देखिए
कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में, ज्यादा डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़ा टारगेट अगर रिवर्स होता है ट्रेड से तो वीकली टाइम फ्रेम में 100% बनाएगा। तो यहाँ पर अपन वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना, बन रहा है पैटर्न लेकिन सही पैटर्न नहीं है, बुलिश इनकल्पिंग टाइप का पैटर्न बन रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में बात करें, अगर इस टाइम में एक ध्यान देने जी वाली चीज है, अगर हैमर बन जाता है तो इसमें यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो रिस्क लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक मान सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ट्रेंड चेंज जब होगा तो 1800 पे उसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तब तक नहीं है। ये ट्रेंड का हो गया। अब इसमें थोड़ा सी अपन इसका फंडामेंटल देखिए, मार्केट के स्मॉल कैप है, क्लीन साइंस और इसका जो क्लीन साइंस और तत्व चिंतन का दोनों का आईपीओ साथ में आया था, दोनों का अभी तक उसी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। देखो इसका मार्केट कैप क्या है, 3520 के लगभग करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस है 1505 है, 24 इसका हाई गया था, 24 नहीं हाई तो ज्यादा गया था इसका, देखो मैं आपको बता देता हूँ हाई तो कितना गया था, 298 मतलब 3000 के लगभग इसका हाई टॉप लगाया था इसने ना, बाद में स्टॉप भी है 71 है और आर ओ सी इसका 8% है, आर ओ इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर स्प्लिट होता है तब इसमें फायदा हो सकता है। अब देखो क्या करती है कंपनी, तत्व चिंतन है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, फार्मा की दवाइयाँ भी बनाती है, ये केमिकल दवाइयों में जो केमिकल आता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डायरेक्ट एजेंट ऑफ फार्मा ट्रांसफर कैटलिस्ट इलेक्ट्रो सॉल्ट, जो बैटरियों में इलेक्ट्रो सॉल्ट आता है ना उसमें जो ये बैटरियाँ आती है उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रो सॉल्ट फॉर द बैटरीज में, इलेक्ट्रो सॉल्ट होता है नमक का उसका होता है, तो ये बैटरियों में यूज में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में फार्मा एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट ऑफ द अदर स्पेशलिस्ट, इसका थोड़ा सा अपन देखें तो देखो ये किस तरह के बनाते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इलेक्ट्रोड सॉल्ट, ये इलेक्ट्रो सॉल्ट होते हैं बैटरियाँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी में भी बैटरी होती है उसका भी, ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो एनर्जी बनती है मतलब बिजली बनती है उसका भी यूज किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट अदर स्पेशल केमिकल इसमें भी होता है, मतलब फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। अब देखो इसमें ऑटो सेक्टर में यूज में किए जाते हैं इसके, और इलेक्ट्रोड सॉल्ट यूज में मैन्युफैक्चरिंग सुपर कैपेसिटर बैटरी, सुपर कैपेसिटर बैटरी होती है उसमें ये यूज में किया जाता है, और ऑटो सेक्टर में इसके जो ऑटो सेक्टर में जो ये बैटरियाँ होती है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल में दवाइयां बनाते हैं, अलग अलग इसका बिजनेस हो गया था। अब थोड़ा सी देखिए और इसका केमिकल सेक्टर से है तो पिडिलाइट है सर, अब सोलर इंडस्ट्रीज, ये इसके दूसरे दीपक नाइट्राइट तत्व चिंतन, ये आएगा गुजरात फ्लोरी। अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट क्या है देखिए, सेल कितना, एक्सपेंडिचर कितना और नेट प्रॉफिट कितना है। सेल कितना अपन तीन क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, मार्च का, जून का और सितंबर का। तो सेल कितना है मार्च का, मार्च का है 125 करोड़ के लगभग, 114 करोड़ और 96, मतलब इसकी सेल कम हुई है, डाउन ही चल रहा है, टीएन देख सकते हो इसमें डाउन, सेल में इसमें डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर कितना है 108 का, 93 और 76 है, तो अभी इसका एक्सपेंडिचर देखोगे वो भी डाउन ही है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में इसमें डाउन ही आ रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का फंडामेंटल देख के कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही इसकी, टेक्निकल में भी नहीं बन रही है, कोई भी अभी इसमें पैटर्न नहीं बना है, तो फंडामेंटल पे भी नहीं बन रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी है 23 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 704 है, बोरिंग कर्जा 61 है। देखो कर्जा बहुत ही अच्छी चीज़ है, कर्जा भी इसके कोई कर्जा नहीं है, मतलब 61 करोड़ का ये ज़्यादा है। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग बात करें तो प्रमोटर के पास देखो इसमें 72 है, एफआईज की 4 है, डीआईज ने अभी होल्डिंग बढ़ाई है 13% है, और पब्लिक के 9% है, पब्लिक की होल्डिंग भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन अभी इसमें फंडामेंटल भी इसके डाउन है, क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है, सेल डाउन है, नेट प्रॉफिट डाउन है, ईपीएस सारे डाउन ही चल रहे हैं, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तो देखो अभी तक नहीं बन रही। जब एक थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसमें आपको अब ट्रेंड, इसका ट्रेंड चेंज होगा तब इसमें बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज मेजर सपोर्ट के पास में कोई इन्वर्ट है कि दो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अगर हैमर बन जाता है, ये देखिए टेक्निकल चार्ट में अगर हैमर बन जाता है इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए और फिर नीचे का ऐसा होना चाहिए ये मान के चलो, लेकिन इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। इसमें कोई भी अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बनी है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है बार बार आप देख सकते हो। ये इसको बोलते हैं अपन देखा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न ही बन रहा है।
अब देखिए आरएसआई, एक आरएसआई होती है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। आरएसआई में जरूर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो लैगिंग इंडिकेटर है आरएसआई, लेकिन अपने को देखो यहाँ से प्राइस, ये देखो ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, आरएसआई यहाँ से ये कंसोलिडेट चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, मतलब आरएसआई बोल रही है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं दिया है। अगर यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप, सॉरी हैमर बन जाता है, बुलिश इनगल्फिंग का कंफर्मेशन मिल जाता है, प्राइस लगभग मान सकते हो कि 1561 के लगभग, ठीक है, तो उसको वहां पर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी जो भी रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बाउंस बैक भी हो सकता है, इस चीज का भी आप को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक ट्रू डेट मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। ट्रू डेट अलग अलग ट्रू डेट मूविंग एवरेज बहुत है, 200 दिन का एवरेज माना जाता है वो, उसका देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम कर रही है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के जब तक नीचे, दो तीन चीजें साथ में होगी, ध्यान से सुनिए। एक तो यहाँ पर अपना 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पर लोअर टू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, यानी ट्रेंड चेंज यही होगा, 18,000 के लगभग वही ट्रेंड चेंज होगा, वहाँ 200 मूविंग एवरेज का ऊपर होगा। जो रिस्क अच्छी मतलब ज्यादा नहीं लेना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टर होते हैं, वो 18,000 के लगभग ब्रेकआउट करे तभी बाइंग करना है, अदरवाइज इसमें बाइंग नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में पहले से फंसे हुए एनालिसिस चाहते हो तो उसमें आप जरूर कमेंट में बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट जरूर किए, उससे क्या है कि अपने को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको चार्ट को रीड, एक अप्रोच होता है चार्ट को रीड करने का अप्रोच होता है कि किस तरह से चार्ट को तरीका होता है। जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं तो ट्वेल्थ पहले पहली क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी तरह से ही चार्ट को रीड करने का एक तरीका होता है। उसको अपन जिस तरह से पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए, फिर बाद में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए, अलग अलग स्टेप बाद में आरएसआई देख सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन नेगेटिव डाइवर्जन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, और इसको अभी इसमें ट्रेंड कब चेंज होगा, वो चीज़ें होती है, तो उसको आप देख के समझ सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर ही डिसीजन लीजिए। इसमें क्या है कि अपने इन्वेस्ट करते हो तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपका अच्छी तरह से होना चाहिए, तो इस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बननी, लगभग अब कोई बाइंग कर लेता है पहले से स्टॉक में कर लिया, लगभग मतलब नवंबर 21 लगभग 2 साल हो गए इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। फिर भी अगर अपन सोचते हैं किसी स्टॉक को जैसे मतलब 2500 के लगभग चला गया और अपन सोचते हैं कि यार इसे तो 1800 के लगभग आ गया, 700 रुपये सस्ता मिल रहा है, सस्ता नहीं वो 700 की जगह 700 सस्ता की जगह उस कुल वैल्यू 700 भी हो सकती है, तो ये भी ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि दूसरे स्टॉक है 6,000 स्टॉक है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग, ये जिस तरह से अलग अलग बिजनेस चलते हैं अपन देख सकते हैं कि जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है तो अलग, सर्दी में क्या सर्दी के ज़्यादा कपड़े बिकते हैं, गर्मियों में गर्मियों के ज़्यादा बिकते हैं, सर्दियों में इसमें बारिश में बरसात के ज़्यादा बिकते हैं, तो अपने को ये जरूरी थोड़ी एक ही कपड़ा पहनना है, तो इस तरह से ये साइकिल चलता है बिजनेस का, उसी तरह से अपने को समझना है। दूसरे स्टॉक में जो अच्छा ट्रेंड चेंज हो गया है वहाँ से उसके फंडामेंटल ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ ठीक है, तो उसमें जाके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।